पठानकोट के साथ लगते हिमाचल के जंगलों में से जंगली जीव निकलकर अक्सर पठानकोट के रिहायशी एरिया में घुस जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कस्बा सरना के साथ लगते रिहायशी इलाके में, जहां पर जंगली जीव सांभर पहुंच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वाइल्ड लाइफ विभाग के कर्मचारियों ने सांभर को रेस्क्यू किया और उसे जख्मी होने से बचाया। इसके बाद उसे कथलोर सेंचुरी में भेजने की बात कही गई। इस बारे में बात करते हुए वाइल्ड लाइफ अधिकारी ने बताया कि उन्हें एक सूचना मिली थी कि एक सांभर रिहायशी इलाके में पहुंच गया है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल अब इसे कथलोर सेंचुरी में भेजा जाएगा। शशि तारागढ़ की खास रिपोर्ट। वो देखे नहर डिगे मैं कुछ जानवर कुत्ता कुत्ता जो तो देखा तो सिंह थे। फिर आई मैं रौला पाया, सारे मुंडे ने बुलाया, मानजोग डी एफ ओ साहब श्री राजेश महाजन जी, उन्होंने फोन आया मैनू। तो उन्होंने फोन के तहत उन्होंने सूचना दी कि इस तरह इस जगह पर सांभर आया हुआ, तो तुरंत हुक्मों की पालना करते हुए तो असी मौके पर पहुंचे, इसनों रेस्क्यू सफल किया और इसनों अपने कब्जे च लिया जी। इस जंगली जानवर न कथलोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अपने तारागढ़ एरिया दे विच हैगी है, उत्थे इनू सुरक्षित इनू मतलब ट्रीटमेंट अगर लोड होएगी दे के तो इसनू उत्थे रिलीज़ कर दिता जाएगा। हाँ, कई बार हो की जाता है कि खाने की भाल विच अंदर बाहर आ जाते हैं, तो जिस तो बाद कई बार लोकैलिटी भी चल जाते हैं। तो हूँ जिस तरह अज लोकैलिटी आ गया, बस इनू फटके इनू सुरक्षित है जिहड़ा घर हैगा जिन्हों जंगल कहा जाता अं उ छड़ देना जी। इंडिया क्राइम न्यूज, जुर्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।